हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त की एक और फ्लाइट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ चुकी है। भारत में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए अब दुनिया के कई सारे देशों ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करना शुरू कर चुके हैं। बीते कल यहां पर यूएई ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया। उसके बाद आज यहां पर कनाडा की सरकार ने भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि कनाडा और भारत के बीच में काफी लंबे समय से उड़ानें ऑपरेट हो रही थी और भारत से सभी लोग कनाडा के लिए ट्रेवल करके जा पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कनाडा की सरकार ने सभी भारतीयों के ऊपर अगले 30 दिन तक का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यानी कि कनाडा की सरकार ने भारत से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 30 दिन तक के लिए बंद कर दिया है और उसने इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी कि पाकिस्तान से भी कोई भी फ्लाइट कनाडा के लिए अगले 30 दिनों तक नहीं जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दे दी गई है। एयर इंडिया यहाँ पर ये बता रही है कि वैंकूवर और टोरंटो के लिए जितनी भी फ्लाइटें थी वो सभी फ्लाइटें 25 अप्रैल से लेकर 21 मई तक के लिए कैंसिल कर दी गई है। इन फ्लाइट्स का यदि आपके पास टिकट है तो रिफंड के लिए आपको एयर इंडिया से बात करनी पड़ेगी। कनाडा से पहले यहाँ पर दुबई ने बीते कल भारत से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। यानी कि 25 अप्रैल से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दुबई और भारत के बीच में नहीं ऑपरेट की जाएंगी। आपको बता दें कि यूएई भारत के बीच में एयर बबल्स के तहत फ्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, लेकिन भारत में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए यूएई की सरकार ने फिलहाल के लिए सभी भारतीयों को अगले 10 दिन तक दुबई में आने से मना कर दिया है। अभी फिलहाल के लिए यूएई की सरकार ने 10 दिन का प्रतिबंध लगाए रखा है, लेकिन यदि हालात सामान्य नहीं हुए तो इस प्रतिबंध को आगे लंबे समय के लिए भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगला देश यहाँ पर यूके है। यूके ने भी आज से यानी कि 23 अप्रैल से भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बैन कर दिया है। यानी कि अब जो लोग भी भारत से यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे अब वो लोग ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे। यूके की सरकार ने इस बात की सूचना 2 दिन पहले ही दे दी थी, जिसमें कि उसने ये बता दिया था कि 23 अप्रैल से भारत और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो जाएंगी। यूके ने यहाँ पर इस प्रतिबंध को फिलहाल के लिए 30 अप्रैल तक के लिए बोला है, लेकिन यदि भारत में हालात सामान्य नहीं हुए तो इस प्रतिबंध को यूके की सरकार भी आगे समय के लिए बढ़ा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए आगे आने वाले समय में दुनिया के और भी देश भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर सकते हैं। अब तक कुल मिलाकर भारत के साथ जिन देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है उन देशों के नाम है यूके, हांगकांग, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा, दुबई, ओमान, कुवैत, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर अब तक 12 देशों ने भारत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय में इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं जो कि भारत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर सकते हैं। तो इसकी रेगुलर अपडेट के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बताना था। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।